बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली के गाजियाबाद इलाके में वसुंधरा में श्री हरि रामलीला कमेटी वसुंधरा गाजियाबाद ने रामलीला का शानदार शुभारंभ किया। यहां पर काफी भव्य है रामलीला का आयोजन होता है। यहां पर कलाकार बाहर से आए हुए हैं और काफी मजे भी कलाकार है जो काफी भव्य और आकर्षण रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स और अन्य वस्तुओं की भी दुकानें लगी हुई है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर हर समुदाय के लोग आते हैं। देखिए वसुंधरा से हमारे सहयोगी एक भाव सुनाऊंगा। वे दयालु है, सदा रहते हैं भक्तों पर ही दयालु। नारायण नारायण नारायण। मैं चाहता हूँ तुम सर्वव्यापी हो, परंतु तुम उतने ही बड़े पापी हो। मैंने बड़ी भूल की, जो नाश कराया। भला ऐसे मूर्ख से मूर्ख नाम होगा। होता है चित्त की बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। क्या देखा नारद जी? प्रभु वाणी की शोभा और एकांत स्थान देखकर मन चित आनंदित हो उठा और मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। जमाने में जब इस तरह की क्रियाएं क्रियांतर होती थी तो ये संस्कारों में आती थी और हम लगातार इस युग तक जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद मनुष्य आज धरती पर खड़ा नहीं होता। तो मैं सभी लोगों का पुनः एक बार दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। साथ हैं श्री हरि रामलीला कमेटी के डायरेक्टर जो विगत 5 सालों से यहां पर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। अपनी टीम के साथ मुरादाबाद से यहां वसुंधरा में आए हुए हैं। जानते हैं उनसे बारे में किस तरह से वो तैयारियां करते हैं और क्या क्या वो सोचते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला के मंचन के बारे में। मेरा नाम संतोष बरोला, मैं स्वयं मुरादाबाद से। शिव शक्ति कला मंचन जो पहली बार यहाँ पे हरि उसके नाम क्या आपके गाजियाबाद वसुंधरा में मुरादाबाद शैली के दाम पहली बार हो रही है, जिसे हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ के जितने भी भगत जन हैं वो हमारी लीला को देखें, उसके बारे में ज्ञान लें, अपने बच्चों को बताएं कि भगवान इस प्रकार से होते हैं, भगवान की वस्तु करें, क्योंकि इस कलयुग में सबसे पुष्ट है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा करेंगे तो सभी मनुष्य का व्यापार हो जाता है और जो कर्म वास देवता है मने कर्म कलयुग का वास है और कलयुग में सबसे सफल उपाय भगवान की पूजा हरि की। हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह जी, जाने उनसे गाजियाबाद में सर बहुत सारी हो तो बहुत सारी रामलीलाएं होती है, बट उन रामलीला में और आपके रामलीला में क्या अंतर होता है सर? ये जितनी रामलीला हो रही है और हमारी रामलीला हो रही है, इसमें फर्क आपको महसूस होगा, क्योंकि जितनी और भी रामलीला है सभी कॉरपोरेट फंडिंग या फिर जो पॉलिटिकल फंडेड होती है। ये हमारी रामलीला एक ऐसी रामलीला है जो जन भागीदारी से होती है, जिसमें आपका हमारे जैसे लोगों का सभी मध्यम वर्ग लोगों का यहाँ पे सभी
यहाँ पे जो 9 to 11 वाली जॉब कर 11 to 9 वाली जॉब करते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे अपने छोटे छोटे योगदान देके यहाँ पे हम लोग रामलीला कराते हैं। हम लोगों ने आज से 6 साल पहले जब हमने रामलीला के बायलॉज लिखे थे, तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया था कि हमारी रामलीला का प्रयोग कोई भी सदस्य अपने किसी भी व्यक्तिगत या फिर पॉलिटिकल लाभ हो या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल लाभ हो उसके लिए प्रयोग नहीं करेगा। आज तक हम लोग उसी संकल्प पर यहाँ पे अडिग हैं और आज हमारा 6ठा मंचन है और भविष्य में उम्मीद करते हैं और ये लंबा मंचन चलेगा। इसी के साथ मैं आपका वॉइस ऑफ माउंटेन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री हरि रामलीला कमेटी के महासचिव श्री जितेंद्र यादव जी, उनसे जानेंगे इस साल उनकी रामलीला में क्या कुछ नया होने जा रहा है। जय श्री राम। मैं तो इस बार हमने बहुत मेला बड़ा अच्छा लगवाया है, यहाँ पे काफी लोग मतलब क्रॉकरी वगैरह है, सोफा है, कुछ खाने पीने के स्टॉल वगैरह ज्यादा हैं जो लास्ट टाइम नहीं होते थे। इस बार प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और उन चीजों को परचेज करें। इस रामलीला में एक हमने ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि कोई पॉलीथिन वगैरह का कोई यूजेज वगैरह नहीं होगा यहाँ पे और सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर रहेगी। यहाँ पे जो महिलाएं वगैरह आती हैं उनको भी घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की करती है कमेटी हमारी। और हमारा सबसे मेन जो ध्येय है, हम सभी जो कमेटी के मेंबर हैं सभी भाईचारे के साथ काम करते हैं और सभी के जन सहयोग से, कॉलोनियों के सभी के सहयोग से इसमें कंट्रीब्यूशन लेते हैं, घर घर जाके उनसे कलेक्शन करते हैं, जैसे प्रचार भी होता है और रामलीला को फंड भी मिलता है। तो इसका यही उद्देश्य है। और बॉयस जो आपका बॉयस ऑफ माउंटेन जो आपका चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री कैलाचंद शर्मा जी, श्री हरि रामलीला कमेटी के मीडिया प्रभारी, उनसे जाएंगे। सर, इस बार जो आपके छठवीं रामलीला हो रही है इसमें क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप, क्या कुछ समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं और जितनी भी रामलीला यहाँ पर हो रही है उनमें और आपके रामलीला में क्या फर्क है? देखिए, श्री हरि रामलीला कमेटी का 5 साल से पूर्व जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य यही था कि सिर्फ भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और समाज के लिए जिन्होंने एक मानव से महामानव बनने की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी और वही उन्हीं का संदेश समाज को दिखाना है, उसी संदेश को हम यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको प्रेरित करते हैं। जब भगवान राम और उनके भाई गुरु की सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनका हम जीवंत बच्चों को ऐसा प्रयास करते हैं कि उनको वो संस्कार बढ़े। और इसके अलावा भगवान राम जब भगवान राम हैं लेकिन वो अवतारों का या अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत से ग्रहण करते हैं। हम यहाँ जो आए हुए जनमानस है उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है या अपने आप जीवन सार्थक करना है तो भगवान राम की तरह हमें मेहनत करनी होगी। जय प्रहण। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।